तेज एक साथ में जकड़ो अब इसको, चल रहे लगा पूरी ताकत लगा तेरी कितनी है दो, तेज से लगा जोर से जोर से, सबको दिखना तेरी ताकत। फेस कवर मत होने, चेहरे पे कपड़े डाल के भी कोई शूटिंग, चेहरे की स्कैन नहीं होगी। हाँ झपड़ो उसको और तेजी से। हाँ चल रहे अब लगा पूरी ताकत लगा की तेरी दूरी, जकड़ लो उसके हाथों को तेजी, जकड़ो उसके हाथा फिराओ उसके, तोड़ देंगे उसके हाथा दोनों भी। हाँ लगा पूरी ताकत लगा तेरी कितनी है तो तेजी के साथ में। हाँ चल लगा तेजी से। हाँ जकड़ लो उसको तेजी के साथ में। और जोर से चलाओ उसको, अंदर से आग लगाओ उसकी। जोर से सबको सुने आना, जिन्नात पहले ताकत लगा तू, जिन्नात है तू, तेरी ताकत लगा कितनी है सबको बता। अब यहाँ आके खत्म हो गई रे पूरी ताकत, बहुत बता रहा था वो लोगों को, बता मुझे तेरी कितनी है तो ताकत, कैसा करना अब करूँ खत्म, काट दू तेरे दोनों हाथा, लू अभी काट के। कहाँ से आया था? शमशान से, कब्रस्तान से। फिर कैसा क्या आया तू बच्ची के अंग पे, कब से हो बच्ची के अंग पे? आशिक हुआ था। जोर से बोलना अलग, आशिक हुआ था। कहाँ मिली थी तेको बच्ची वो, कहाँ मिली थी बच्ची तुझे? रस्ते से। कौन से रस्ते से? जुम्मा के दिन। कब की बात है? मुंह का थोड़ा नीचे खींचो। कब की बात है? टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? सही सही बता ना तो, अभी देख काटने का हुक्म दे दूंगा तेरे दोनों हाथ काट के भस्म करने लगा दूंगा। नालायक, क्या मनमाना चल रहे थे ऐसे? हाँ दादागिरी आकर के दिखा रहा था उनको, बहुत बता मेरे को जरा तेरी कितनी दादागिरी चल रही, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। मनमाना बता तेरे कितने है, तो जिन्नात है तो कुछ भी करता रे लोगों के मां घरों में जाके समस्या बताता। क्या पसंद आया था तेको बच्ची का ऐसा हो? बाल। बाल क्या थी दास्तान, मुझे साफ साफ बयान कर पूरा खुल के। अच्छी लगती थी इसलिए आशिक हो गया, सफेद कपड़े पे। सफेद कपड़े पे पसंद किया था मैंने उसको। क्या कर रही थी उस सफेद कपड़े पे, कहाँ दिखी थी तुझे? जुम्मा के दिन। जोर से बोल। जुम्मा के दिन गई थी बाहर। हाँ। सफेद कपड़े में, बाल खुले रख के। हाँ। अत्तर लगा के। हाँ। मनमानिया चल रहे तेरे ऐसे, लोगों को जुलुम दे रहा। कितने साल पहले की बात है ये? सही बोलने का, बहुत मारने लगूंगा मैं, बुलाओ मारने को, लगाओ मारने, कमी है नालायक। 13-14 साल हो गए मियाँ, अभी झगड़े कौन लगा रहा था? उसके घर वाले। कौन लगा रहे थे? उसके घर वाले। किसके घर वाले? ससुराल वाले। बच्ची के तो क्या नाम है? उसका रुखसार है। रुखसार के ससुराल वाले कौन लगा रहे थे, क्या नाम आते उनके? सही बोल, झूठ मत बोल।
क्यों दुश्मनी? दुश्मनी थी कुछ? क्या दुश्मनी थी? माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी के इसलिए ये बच्ची पे जादू चलाने के लिए क्या लिख गए थे वो लोगों ने? उसके शोहर का क्या लिए थे? उसको किस चीज में मिलाकर? बड़े का बकरे का कह का क्या था? चिकन मटन क्या था? नहीं रुकी। कितना टाइम हुआ खिलाकर? नानी के पास जाते बात मत करो कोई बीच में। हाँ कितना टाइम हो रहा था? 5-6 साल हो गए। क्या करना आप तेरे को काट के भस्म करा दूं? नहीं मैं खाजा के पास जाऊंगा। जोर से बोल सब। खाजा के पास जाऊंगा मैं। अच्छा क्या करेंगे वहां जाकर? बुला दें। पक्का जाएगा छोड़ के? हाँ मैं जाऊंगा उसके पास जाऊंगा। मैं खाजा के पास जाऊंगा। मैं नहीं रहूंगा इसके पास। इसके पास सब जादू करते हैं। इसको सब जादू करवाते हैं। इसके ऊपर सबने जादू करवाया है। इसके लिए मैं नहीं रहूंगा। मैं खाजा के पास जाऊंगा। मैं खाजा के पास जाऊंगा। मैं खाजा के पास जाऊंगा। अच्छी बात है। मैं खाजा के पास जाऊंगा। जा रहा सही में? हाँ। और दोबारा आएगा तो फिर क्या करूंगा तुझे? नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। मैं चला जाऊंगा खाजा के पास। और कुछ पूछना है क्या? कौन खिलाएगा? नाम पूछूं? रिकॉर्ड और फिर जाता देखो नाम भी लेते पूछूं? नहीं मेरा वीडियो मत बनाओ। अरे बता रहे ना नाम बता मुझे। जो बोला वो तू परेशान कर रहा है उसको अंदर बैठ के तो कमी ने वो गया खड्डे में। हाँ मैंने अपने मर्जी से नहीं परेशान किया। हाँ परेशान करने वाले कोई और है। मैंने तेरे नहीं सामने किया। से हाँ इधर लाओ। मैं तो हमेशा इसको खुश रखना चाहता था लेकिन जब मेरा दिमाग खराब होता है ना इसे लगता है मैं इकबाल को खत्म ही कर डालूं। जब वो ऐसा करता है ना गली सरकत मुझे पसंद नहीं आती। उसकी हरकत नहीं आती। किसने खिलाया था बच्ची को? क्या नाम था उसका वो खिलाने वाले उसको का? खिलाने वाले बहुत है। खिलाने वालों की कोई कमी नहीं है। उसके ससुराल वाले है। उसको अड़ोसी पड़ोसी है। उसकी दोस्ती आ रही है। सबने अलग अलग जादू टोना करे। हाँ बहुत लोगों ने किए इन लोगों पे। बहुत लोगों ने किए। फिर अब क्यों करे? वजह दुश्मनी? दुश्मनी से जलन से किए। किस चीज की दुश्मनी? हाँ बोल। दुश्मनी? हाँ दुश्मनी थी। किस चीज की दुश्मनी थी? दुश्मनी थी सौतेले बाप की दुश्मनी इनसे निकाली गई। अच्छा क्या थी वो दुश्मनी? क्या वजह से? क्यों क्यों ऐसे? उसके बाप की दुश्मनी थी इसलिए उन लोगों ने किए। जहाँ इसका रिश्ता होके टूटा शादी होके टूटी उन लोगों ने करवाए। घर पे सब लोगों को कराया लाए? हाँ सबको किया हुआ है। सबको किया हुआ है। सबको हाजिरी थी। सब दरगाह में जाके हाजिरी भरते थे। इसकी माँ इसकी लड़की हाजिरी भरते थे। हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे गए। हमको बशारत हुई। हम वहाँ पे गए। हमने अपनी हाजिरी दी। फिर और हम लोगों को बंदिश मारी गई। बशारत कई की हुई थी? अजमेर जाने की बशारत हुई थी। अजमेर जाओ। फिर अजमेर गए। अजमेर गए हम लोग। वहाँ अपनी हाजिरी दी। हमने आधा केस कटा मारा। उसके बाद और लोगों ने करना शुरू कर दिया। बंदिश मार दी। ख्वाजा की चौपट पे नहीं जाने दिया।
मौला अली की चौखट पे नहीं जाने दिया। तो मैं चला जाता, मैं जाने वाला था, तो दिखना नहीं अब मुझे दोबारा, आप दिखना दोबारा मैं चला जाऊंगा। हाँ समझ गया ना, नाला है, मैं चला जाऊंगा। कितनी बार टूटते टूटते बच्चा इसका संसार, अरे उसका संसार तोड़ दे रहा था, तू तोड़ रहा था, कौन तोड़ रहा था? उसको लड़कियों का चक्कर है, इसके आदमी को उसको लड़कियों का चक्कर है, वो लोग भी करवाती है कि इसका संसार नहीं बसे, टूट जावे बोलकर। हाँ इसकी बहने भी सोचती है कि इसका संसार नहीं बसे, इसकी दोस्ती यारी में भी सोचते है इसका घर परिवार नहीं बसे, इसका कारोबार नहीं रहे, इसका सब खराब हो जाए। तो कुछ नहीं, जिसने रिश्ता करवाई थी ना उसने ज्यादा करवाई है, उसने ज्यादा करवाई, पूरी ताकत लगा के बोल नाला है। जिन्नात है तो ताकत नहीं रही तेरे में? नहीं रही, ताकत खत्म हो गई। कौन सा जिन्नात है, मुस्लिम है, खबीस है, जो भी है? कौन है? अच्छा ही हूँ मैं, खबीस नहीं हूँ, अच्छा था मैं, सब गंदा कर दिए मुझे लोगों ने, मुझे नमाज नहीं पढ़ने देती, मुझे गंदा कर दिया। तो खुद होके पढ़ना ना नमाज, तभी नहीं हो रहा, देखो नमाज भी पढ़ना नहीं हो रहा, नालायक नहीं होता है, स्विच ऑफ कर। फिर कहाँ जा रहा तू खिदमत करने को? ख्वाजा के पास जा रहा? सच्ची में? हाँ। यहाँ रह जाता? नहीं, यहाँ रह के बाहर खिदमत कर लोगों की? नहीं, मैं ख्वाजा के पास जाऊंगा। मेरे फौज में शामिल हो जाए? नहीं। पक्का जा रहा फिर? हाँ। दोबारा दिखा तुम? नहीं दिखूंगा। और कुछ पूछना है? कुछ नहीं, उसका दिमाग में सब बैठा हुआ है, सब भन भन करता, पागल जैसा लगता है सब। और दिमाग में कौन कर रहा था उसकी भन भन? दिमाग में किया हुआ है उसको, दिमाग जैसे पढ़ती है ना पूरे दिमाग में, उसको कुछ समझ में नहीं आता, कुरान शरीफ से लेके जितना भी उसका लिखने पढ़ने का सब उल्टे अल्फाज दिखते है उसको, किया हुआ ऐसा है। उसके ऊपर खून चूसने वाली चीजें, जो कुछ चीजें चली गई लगता है। टीपू का नाम सुनते मैं जा रहा हूँ। क्या होता है नाम सुने तो? तू डरता था मेरा नाम सुन के? और मैं नहीं डरता हूँ, जादू टोना डरता था मेरा नाम सुन के, दूसरे जो है ना वो डरते हैं। क्या बोलते थे वो? मेरा नाम सुन के सब डरते थे वो लोग। बोल बोल, बयान कर जोर से, बयान कर। नाम सुन के सब डर जाते थे, सब चले गए, इसलिए जो खून चूसने वाली चीज थी उसके ऊपर ना उसका पावर थोड़ा कम हुआ टीपू के नाम से। दिमाग का चक्कर थोड़ा सा गया। नाम सुन के डर के भाग गया वो सब नाला है। हाँ अब क्या करना, वो तेरे को बोल जाता छोड़ू के बम पकड़ के कैद कर दूँ? नहीं मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा और कुछ पूछना है? और पूरी पूरी बयानी दे अच्छी, कब से था तो तू जा रहा हूँ, इतना ही काफी है ना, जा रहा हूँ इतना काफी है ना। को बात नहीं करता तरीके से, मैं बोला क्या का वो बोलो, बात कर रहे वो तो बच्ची पर ध्यान क्यों नहीं देती थी उसकी? ऐसा किया हुआ था तो ऐसे ही होना है, जैसे उसका बाबा आएगा ना इतना रोती थी लड़की छोटी वाली बहुत। चलो ठीक है, चलो इसको नाला है, चले जा छोड़ के बाद। अब तेरा पक्का कितने लोगों ने खिला रहे इसको? बहुत लोगों ने खिलाया, वो तो सब सुन लिया हमने, सब देख लिया था, तो मैं बताता हूँ सुपर जाने तो। चल रे जा, अजमेर जा रहा? हाँ जा, मेरा सलाम बोल दे तो, चले जा अजमेर में जाके मेरा सलाम बोलूँ। क्या नाम है?
ओए रुक सा, अरे पानी पिया, मुंह का बता करना, थोड़ा कपड़ा नीचे कैमरा चालू, कपड़ा नीचे किसो, थोड़ा कैमरा चालू, हाँ बस पानी पियो। मुझे भी बताना था लेकिन वो फोटो नहीं लाया गया कैमरा। क्या नाम है? हेलो, क्या नाम है आपका? रुखसार। चाहिए कौन है? अम्मी। चलो अच्छा, अभी कुछ सवाल जवाब कुछ याद है क्या? थोड़ा कुछ भी नहीं? नहीं। ओ हाजरी में जी जिन्ना था, उसने ऐसे कुछ बातें बताया कि बहुत सारे लोग कर रहे क्या कर रहे, वो सब बयान में ही रिकॉर्ड में देख लो। खैर उसने ये भी बोला कि तुम्हारे वीडियो, ये लोग मेरे वीडियो देखते करते थे शायद, तो बोल रहा था कि इसको कोई खून पीने वाली भी शय थी, खून पीने वाला जिन्नात बोले तो पिशाश, इंग्लिश में उसको ड्रैकुला बोलते हैं, वो जिन्नात रहता खबीस उम्र की किस्म, तो वो क्या करता मर्द बच्ची लेडीजों के ऊपर, मतलब बच्चियों के ऊपर लगा दिए तो पीछे से दाद गड़ाकर खून पीता और बच्चियों को इतना परेशान करता ऊपर कि वो बयान भी नहीं कर सकते, बयान करे तो कोई यकीन भी नहीं मानता, लोग बोलते कि ऐसे दिन दिवाले आके इतना परेशान करेंगे, कैसे था कहानियां सुना रहे हमको ऐसा, मगर जिस पे बीतती है उसको पता चलता असल में। वो तो बोल रहा था कि उन्हें खून पीने वाले भी शैतान आते थे, बच्ची का खून कुछ तो पीते थे दाद गड़ाकर, तो जैसा तुम्हारे वीडियो देखना इन्हें चालू करो, मैंने बोला ये वो जिन्नात बोल रहा था, जैसा टीपू का वीडियो देखे बोले वैसा बोले उनके कमजोर होगा वो शैतान, खुदा की कुदरत कमजोर होगा, कमजोर होके फिर क्या बोलते तो भाग गए उसमें से बहुत सारे तो डर के करके क्या क्या, बाकी ये तो मुसलमान जिन्नात था, ये चले जाता बोला तुम्हारा फिर चले जाता, जो भी है मैं क्या बोलूँ, उसमें रिकॉर्ड देख लो। इस वास्ते सबसे ज्यादा इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना और बाकी गैरुल्लाह के पास जाकर हाथ नहीं फैलाना, गैरुल्लाह बोले तो काफिर और जो इलाज करने वाले जादूगर रहते हैं उनके पास नहीं जाना। हाँ दरगाह पे तुम जा सकते, दरगाह पे जाने से तुम किसी ने मना नहीं करा, उल्टा तुम्हारा वहां जाने से वहां उनके ऊपर रहमत और अजमत बरसती, तो तुम वहां जाएंगे तो तुम्हारे भी थोड़ा बहुत छींटे बरसेंगे। बाकी तो मैं जो देखा वो प्रैक्टिकल में वो बयान करता, मैं तुम्हें किताब में कहानियां और किस्से पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, ये तजुर्बा प्रैक्टिकल का है मेरा, इसलिए मैं तुम्हें सारे प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। मुझे मालूम है कि दरगाह पे जाने से क्या होता क्या नहीं, क्योंकि मैंने देखा, तुमको दिख रहा नहीं तो फिर तुम कैसे हो गए अकल के अंधे हो गए, अकल के अंधे लोग फिर कुछ भी फतवे देते, जब जिस पे बीतती फिर उन्हें भागता कहा, मगर कतई जादूगर के पास नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। कुरान पढ़ो, इबादत करो, जिक्र अज़कार करो, नमाज पढ़ो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, अल्लाह वालों के पास जाओ, बुजुर्गान दीन के पास जाओ, दरगाहों पे जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कोई मना नहीं करता, वहां जाने से तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाता, पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाता, चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हो जाता ईमान तुम्हारा अल्लाह वालों के पास जाएंगे तो, और गैरुल्लाह और काफिर और जादूगर के पास जाएंगे तो फिर तुम्हारा ईमान बर्बाद होगा समझ लो, इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, समझ गए? बस इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, और ऐसे एक दूसरे पर जादू टोने नहीं करना अच्छी बात नहीं है, सब मना करे अल्लाह हदीस में, और दुआ मोमिन का हथियार है, हर वक्त दुआ याद करो, हर चीज की दुआ है, सब दुआएं सब याद करो, जैसे जैसे तुम दुआएं पढ़ेंगे वैसे वैसे महफूज रहेंगे अल्लाह के फजल करम से। अब उनका पहले बच्चे को बिठाए थे, बच्चे की भी आंग में आया, उसने भी बोला कि बच्चे की शादी नहीं होने दे रहा था, क्या क्या कर रहा था, तो ये सब चीजों से तुम आपको महफूज कौन रखेगा, तुम्हारी ढाल कौन है, तुम्हारी ढाल इबादत है, समझ गए? इसलिए इबादत करो, और इबादत वो फिर फजूल है जिसमें इश्क रसूल नहीं है, इसलिए इबादत ऐसी करो कि आशिक रसूल बनो सही तरीके से, तो तुम्हारी इबादत फिर सक्सेस है दुनिया और आखिरत में। बाकी तो 72-73 फिरके बटने वाले सब खड्डे में जाने वाले, सिर्फ वही फिरका जन्नत में जाएगा कि जो रसूल अल्लाह पे सबसे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ेगा। कौन बोले थे, कहाँ है ये देखो, पढ़ो हदीसों में, इसमें तुमको सब मालूम होता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहे थे, किसने क्या कहा था, पढ़ो रिवायत पता चलता है, ठीक है? चलो इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। कहाँ से आए थे आप लोग? हम लोग मुंबई से आए। कितने साल से परेशान करता बच्ची को? हम लोग तो 10-12 साल से परेशान है, बहुत परेशान है, घर में कुछ भी काम नहीं होता है, सब सामान बिखरा पड़ा रहता है, बर्तन कपड़े वो कुछ भी चीज आएगी तो वो डब्बे में रहेगी नहीं, वैसी भी वैसी पड़े रहेगी, फिर खाना नहीं बनता है 2-2 दिन। मौस पूनम को तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जुमेरा जुम्मा को भी होती है, संडे के दिन होती है तकलीफ, ठीक है। चलो।